सो वट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूबर हैं, स्ट्रीमर हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस घर में अटेंड कर रहे हैं या स्काइप कॉल्स यूज़ करते हैं, जूम वीडियो कॉल्स यूज़ करते हैं, आपको पता है उसके लिए वेबकैम तो मस्ट है, प्रायोरिटी है। तो उसके लिए लेके आ गए हैं वेबकैम की अनबॉक्सिंग। ये वेबकैम गाइज मैं खुद यूज़ करता हूँ और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो और वेबकैम्स के अंदर नहीं है। बेसिकली ये वाला वेबकैम वैसे स्ट्रीमिंग पर्पसेज के लिए बना है, स्ट्रीमर्स के लिए बना है, यूट्यूबर्स के लिए बना है, या ट्विच पे आप स्ट्रीमिंग करते हैं उस चीज़ के लिए बना है आप। लेकिन इसको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे स्काइप कॉल्स में यूज़ कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग में यूज़ कर सकते हो, एक्सेट्रा। जो भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें वीडियो कॉलिंग यूज़ होती है, उन्हें हर पर्पज़ में बहुत फिट बैठता है। मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ और ये और भी इसलिए अच्छा इसलिए क्योंकि आप इस वेबकैम से 1080p पे स्ट्रीम कर सकते हो। 1080p पे ये वर्क करता है, 1080p 30fps पे वर्क करता है और 720p 60fps पे वर्क करता है, जो कि मोस्टली वेबकैम्स नहीं करते। तो इसकी गाइज इसकी ये खासियत तो मेरे को बहुत सही लगती है। मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ तो ज़्यादा दिखावा नहीं करते, जल्दी से आपको इनबॉक्स कंटेंट्स दिखाता हूँ है क्या। सो गाइज बॉक्स के अंदर हमें जो चीज़ें मिलती है वो मिलती है एक ही ट्राइपॉड, इसका स्टैंड, और हमें एक मिलता है ये वेबकैम। अभी आपको मैं इसकी क्लोज़र लुक दिखाता हूँ कि ये कैसा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ, इवन इसका साउंड टेस्ट भी कराऊंगा कि इसके माइक्स कैसे हैं, जो इसके आगे फ्रंट में माइक दे रखे हैं वो कैसे हैं, और ये बताते हैं ये किस चीज़ में ये बेटर है, इसका फील्ड व्यू कैसा है, इसका साउंड क्वालिटी, सब कुछ मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखिए बॉक्स के ऊपर लुक डालते हैं, बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है C92 Pro HD Stream Webcam। तो कंपनी भी जो कहती है कि जो ये मेनली वेबकैम जो बना हुआ है वो भी स्ट्रीमिंग के लिए बना हुआ है, और इधर लिखा हुआ है 1080p 30fps और 720p 60fps। तो मतलब ये 720p पे 60fps पे काम करेगा और 1080p पे 30fps पे वर्क करेगा। अब इसके MRP के ऊपर नज़र डालते हैं कि कंपनी कितना MRP इसका क्लेम करती है। बॉक्स के ऊपर जो इसका MRP लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 12,995 rupees, लेकिन ये हमें फिर भी जो अपने लोकल मार्केट से या फिर कहीं से भी या ऑनलाइन स्टोर से ये हमें मोस्टली जो अवेलेबल हो जाता है वो 10,000 rupees तक का मिल जाता है। तो MRP पे मत लेना मोस्टली, अगर ये MRP पे मिल भी रहा हो तो थोड़ा वेट कर लेना। नॉर्मली ये 10K के अराउंड तक ये मोस्टली मिल ही जाता है। ये मेरे को भी 9800-9700 का पड़ गया था। जो अभी भी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो इसका 9700 rupees ही चल रहा है। और बैक साइड में इसके ऊपर लिखा हुआ है फील्ड व्यू 78 degrees, और बैक साइड में आप देख सकते हो जो इसके सेगमेंट के और सारे माइक्स हैं उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। जो C920 है, जो C615 है, जो उनके अंदर स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन उससे ज़्यादा है। फील्ड ऑफ व्यू तो इनका भी तीनों का 78 degrees है, मतलब आप कितना ज़्यादा एरिया देख सकते हो ना लेंस के थ्रू। अगर 90 degrees है या कुछ भी है, 120 degrees है, तो आप ज़्यादा, जैसे हॉल है आपका, तो आप मतलब आप रूम का ज़्यादा स्पेस आप कवर कर सकते हो। अगर जितना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है 78 degrees है तो आप थोड़ा कम कर सकते हो। नॉर्मली वेबकैम्स अगर सिंगल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हम जैसे, तो उस टाइम पे फील्ड ऑफ व्यू कम ही होना चाहिए। सो गाइज बॉक्स के अंदर ये मिलता है वेबकैम, और इस साइड से ये नीचे की साइड जो है ये यहाँ पे इसके ऊपर ये फिट हो जाता है इस तरह से। यूँ आप इसको यूँ लगा सकते हो, और जो ये है इसकी जो लेंथ है, जो ट्राइपॉड के स्टैंड की जो लेंथ है वो भी इसकी एडजस्टेबल है। आप इसको यूँ कम ज़्यादा कर सकते हो, इस तरह से आप इसको यूँ रख सकते हो, ओके। और ऐसा नहीं है ये ट्राइपॉड बेकार है, आप इसको जैसे इसके ऊपर यूँ फिट करते हो, जैसे हम इसको इसके ऊपर फिट करते हैं, तो आप इसको यहाँ से लूज़ करके, इधर से ये इन्होंने ये नोब दे रखी है, आप इसको लूज़ करके जैसे ट्राइपॉड हमने स्टैंड रख लिया, तो हम इसके एंगल को भी ऐसे यूँ सेट कर सकते हैं, यूँ हिला के जहाँ पे भी इसको आपको सेट करना, मान लो हमें ऊपर की साइड सेट करना है तो हल्का सा यूँ करके बस इसको वो कर दो, तो ये वहीं पे फिक्स हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है इनका, ये इन्होंने सही बढ़िया स्टैंड दे रखा है साथ में। नीचे की साइड से यहाँ पे फिट हो जाता है ट्राईपोड पे, और इस तरह से जैसे ये खुल जाता है और ये भी खुल जाएगा यहाँ से, तो इस तरह से LED के ऊपर बैक साइड पे जो होती है ना LED की टॉप या मॉनिटर के आपके ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर भी इसी तरह से ये लग जाएगा, ओके। लैपटॉप्स पे कुछ इस तरह से लगेगा यूं, जिस LED पे वो पीछे स्टैंड रखने की जगह होती है उन पे इस तरह से खुल के लग जाता है, और जिन पे सीधी नहीं हो उनके यूं का यूं लग जाता है इस तरह से। और बात करते हैं इसकी वायर की, इसकी वायर यार काफी लंबी वायर इन्होंने दे रखी है। वायर की बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ब्रेडेड तो नहीं है, मतलब ज्यादा थिक भी नहीं है और ज्यादा पतली भी नहीं है, लेकिन बढ़िया वायर है और ड्यूरेबल वायर है जहां तक मैंने सुना है, और अब तक यूज़ किया ना तो अब तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि यूँ आराम से यूँ कर लो तो ये टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत बढ़िया वायर है। अब बॉक्स पे एक फाइनल नज़र मार लेते हैं। बॉक्स के साथ हमें मिलता है एक ट्राईपोड
3 months की सब्सक्रिप्शन मिलती है। और एक और चीज़, इसका जो फोकस है ये ऑटो फोकस है और एक क्रोमा की सपोर्टेड वेबकैम है। सो गाइज, अभी मैंने आपको वेबकैम की क्लोज लुक दिखाई है, अभी अपने पीसी से इसको कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ क्रोमा की सब एडजस्ट करके कि उस चीज़ को ये बहुत ढंग से सपोर्ट करता है। बहुत मेन पॉइंट है ये इसका, ये वेबकैम क्रोमा की सपोर्टेड है। बहुत ऐसे वेबकैम होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते। आपने क्रोमा की इस तरह से अगर आपने अपने बैक साइड पर लगा रखी है, अगर आप क्रोमा की फ़िल्टर ऑन करते हो तो उसमें थोड़ा सा कलर का हेर फेर करना पड़ता है, कलर ऊपर नीचे उसका एडजस्ट करना पड़ता है जब जाके वो सपोर्ट करती है, मतलब जब जाके वो डिटेक्ट करती है उसके ग्रीन कलर को। हम इसको लगाते हैं, जब फिल्टर लगाता हूँ मैं, अब देखना किस तरह से इसको एकदम उठा लेता है। स्ट्रीमिंग के लिए मेरे को इससे बढ़िया वेबकैम कोई लगा नहीं था। इसके सेगमेंट के और भी 2-3 वेबकैम आते हैं, पर फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा आप यही वाला लो। अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो प्रॉपर, यही वाला लो। तो अगर आपका हॉल बड़ा है, अगर आपको ज़्यादा लोगों को कवर करना है, तो मैं आपको उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा लॉजिटेक का ही, इसी ब्रांड का ही C930E वाला वेरियंट लो। उसका क्या डिफरेंस है और इसमें मेन क्या डिफरेंस है, उस जो सबसे मेन उनका डिफरेंस है फील्ड व्यू का है। इसके अंदर 78 डिग्री है, उसके अंदर 90 डिग्री है, तो वो ज़्यादा एरिया, ज़्यादा दूर तक का एरिया ना, जो उसका जो लेंस है, अगर मान लो ये इतना एरिया कवर कर रहा है लेंस, तो उसका जस्ट यूं इतना 90 डिग्री के ऊपर इस हिसाब से, यूं परपेंडिकुलर इस हिसाब से वो एरिया कवर कर रहा है, तो इसलिए उस चीज़ के लिए वो बेटर है। लेकिन हम स्ट्रीमिंग करते हैं जैसे कुछ भी, या स्काइप कॉल्स करते हैं, हम नहीं चाहते ना कि ज़्यादा एरिया कवर, हम चाहते हैं ना कि हमारा फेस दिखे, या क्रोमा की सपोर्ट कर रहे हैं तो यार अगर ज़्यादा फील्ड व्यू वाला लगा दिया तो ज़्यादा बड़ी ग्रीन स्क्रीन आपको लगानी पड़ेगी ज़्यादा एरिया तक, क्योंकि वो उसका एंगल है कवर करेगा। आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते कि आप उसको कम डिग्री तक सेट कर दो, वो जैसा वो वैसा ही रहेगा। थोड़ी सी शेप का फ़र्क है, बाकी जो मेन है इनकी मैन्युफैक्चरिंग सबकी बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। सबके ऊपर इन्होंने ये लगा रखी है, ग्लास पैनल सा लगा रखा है। पता नहीं इस पे स्क्रैच लगते हैं नहीं लगते, लेकिन फिर भी जहाँ तक है ये डस्ट प्रूफ और पार्टिकल्स है, तो इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं लगते डस्ट पार्टिकल से, तो इतना तो 100% गारंटी है। अभी इसकी आपको माइक की क्वालिटी दिखा देता हूँ पीसी के ऊपर, तो चलो। सो गाइस, आ गए अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर, अभी मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा यहाँ पे या तो कोई और स्नैप होती है, कोई और पिक होती है, या फिर मेरे डेस्कटॉप का वॉलपेपर होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो आपको दिख रहा है ग्रीन सा कर्टेन, ये होती है ग्रीन स्क्रीन। इसका क्या यूज़ होता है, कोई भी आप एकदम से आपको कोई बैकग्राउंड रिमूव करना, आपको जस्ट ये पीछे आपके प्लेस करनी होती है। वेबकैम्स जो इसको सपोर्ट करते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर में क्रोमा फिल्टर की हेल्प से आप फिल्टर लगा के, आप क्रोमा की वाला फिल्टर लगा के OBS में, स्प्लिट कास्टर जो भी है, मतलब कि किसी भी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जो वीडियो को शूट करते हैं, एडिट करते हैं, इवन के Adobe प्रीमियर प्रो वगैरह कुछ भी, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो वीडियो को एडिट भी करते हैं, आपने ग्रीन स्क्रीन के साथ कुछ शूट किया हुआ है तो आप इजिली इस कलर को रिमूव कर सकते हो, और कोई भी और नई फोटो इवन के वीडियो भी आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो आपके बैकग्राउंड में, तो इसलिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। आपको दिख रहा है डेस्कटॉप के ऊपर सबसे ऊपर हमारा लॉजिटेक का वेबकैम है, जो ये वाला है जो भी मैंने आपको भी दिखाया। तो जैसे इस तरह से होगा जब आप इसको कनेक्ट करोगे, आपको ये कैसे करना है, कनेक्ट भी आपको कैसे करना है, जस्ट आपको सोर्सेज में यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करना है, और वीडियो कैप्चर डिवाइस जो वेबकैम्स होते हैं या एलगाटोज वगैरह कुछ भी हैं, तो ये वीडियो कैप्चर डिवाइस होते हैं, आपको जस्ट इस पे ऐड सोर्स करना है, तो आपको यहाँ पे आपके इसका नाम आ जाएगा। जैसे मेरा एलगाटो भी कनेक्टेड है तो उसका भी नाम आ रहा है, तो लॉजिटेक वेबकैम, तो जस्ट ऐड सोर्स कर देना तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज़, वेबकैम को सबसे ऊपर ही रखना, जैसे आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, या गेम का यूज़ कर रहे हो, ओवरले यूज़ कर रहे हो, कुछ भी, क्योंकि अगर आप इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ इस जितनी ऊपर है ना, तो वो ऊपर होएगी, ओवरलैप होती जाएगी। अगर जैसे इसको मैं नीचे कर देता हूँ डिस्प्ले कैप्चर के, सही, तो अगर मैंने उसको नीचे किया तो वो नीचे हो रहा था, इसके लिए इसको आप सबसे ऊपर ही रखना, ताकि आपकी यूँ दिखती रहे, आपका यूँ कैम दिखता रहे, यूँ शो होता रहे। सो गाइज, अब ग्रीन स्क्रीन के रिमूव के लिए तो आपको करना क्या है, आपको बेसिक सा स्टेप है वो फॉलो करना है। जो ये वेबकैम है आपको वहाँ पे राइट क्लिक करना, फिल्टर्स आ जाएंगे, फिल्टर्स में जो प्लस का साइन है उसमें आप और फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, जो माइनस का साइन है जो हमने ऐड किया है आप उनको रिमूव कर सकते हो। तो जैसे मान लो क्रोमा की है, क्रोमा की का मैंने ऐड किया हुआ है लेकिन फिलहाल रिमूव किया हुआ है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ लेकिन फिलहाल के लिए हटा रखा है, तो इसको जस्ट मैंने ऐड करना है। पहली बात तो अगर कोई नया ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो फिल्टर्स, तो जस्ट प्लस के साइन पे क्लिक करना, और ये जो बेसिक हैं तो इसमें आपको दिख जाएगा ये रहा नीचे क्रोमा की का ऑप्शन है, इसको जस्ट ऐड कर लेना। तो मैंने ऐड किया हुआ है इसलिए मैं कर लेना, आप यहाँ पे डन कर देना तो ऐड हो जाएगा सिंपल। उसके बाद ये ऐड हो जाता है, तो जस्ट ऐसे ऐड हो जाएगा, ऐसे ही प्लस माइनस कर सकते हो, तो इस तरह से देखो पीछे ग्रीन कलर है, पीछे ग्रीन स्क्रीन है। इसको जस्ट फिल्टर को ऐड करते ही सब कुछ पीछे हट गया ना, तो इसको इस तरह से यूज़ करना है, इस फिल्टर को इस तरह से यूज़ करना है। आप देख सकते हो कितनी ईजिली, कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी ग्रीन कलर का कुछ भी नहीं शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्रोमा की को बहुत ढंग से सपोर्ट करता है। और वीडियो की जो क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी भी देख सकते हो, फिलहाल जो ऑडियो है मेरी आप
मेरे कॉलर माइक की ऑडियो से सुन रहे हो, लेकिन अभी मैं आपको इसकी ऑडियो भी टेस्ट करवाता हूँ कि इसकी ऑडियो है कैसी। सो गाइज, अभी मैंने अपना कैम इससे हटा के उस पर वेबकैम, लॉजिटेक के वेबकैम पे शिफ्ट कर लिया है, तो आपको सुन भी होगी कैसी आवाज़ आ रही है। मैं तो एडिटिंग के टाइम पे सुन पाऊंगा, लेकिन हाँ, आपको प्रॉपर फर्क आ रहा होगा कि इसकी कैसी आवाज़ है। अभी जो बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ ये इसके वेबकैम से सामने आ रही है। एक चीज़ याद रखना यार, कुछ भी आसपास सराउंडिंग की कोई भी साउंड फालतू की आने मत देना ये, क्योंकि ये कोई भी साउंड कैच कर लेता है। जैसे कुछ भी, जैसे ठक ठक करता हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा कैच करता है, इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता। अगर मैं कुछ भी, जैसे कुछ भी इधर इधर से भी आवाज़ आ रही है, तो ये वो भी बहुत ढंग से कैच कर लेगा, ठीक है। अगर मैं यूं है तो इधर की, हम यूं तो नहीं है, यूं फेस के सामने डाके तो एकदम से बात नहीं कर सकते ना, इसलिए यार वो इतने सही नहीं है ये। हाँ यूं है कि अड़ी भीड़ में काम चल सकता है, लेकिन हाँ फिर भी आपको एक सेपरेट माइक वैसे लेना ही चाहिए। वेबकैम्स के माइक के ऊपर रिलाई मत करो आप। मैंने आपको पीसी से भी कनेक्ट करके दिखा दिया, इसकी वॉइस क्वालिटी भी आपको मैं चेक करवा चुका हूँ। सो गाइस, रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वेबकैम आपको पसंद आया है नहीं आया, और बस इतना ही यार। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी स्ट्रीमिंग।